तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है आना ही होगा। तो गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है जिमी ने आप लोग चैनल पर। और दोस्तों, आज है अनंत चतुर्दशी, तो हम लोग करने जा रहे हैं अपने गणपति जी का विसर्जन, अपने गणपति जी को विदा। तो फिलहाल दोस्तों, हम ही नहीं मतलब जिन जिन लोगों ने अपने घरों पर गणपति जी को मतलब लेकर आए थे, वो लोग गणपति जी को मतलब अपने घर पर रखा, उन लोगों ने पूजा अर्चना की, तो पूरे अब 10 से 12 दिन बाद वो हमसे दूर होने वाले हैं। आज अनंत चतुर्दशी के दिन हम लोग उनको करने जा रहे हैं विदा, तो बड़े प्यार और सम्मान के साथ में और धूमधाम के साथ में, और यही कामना करते हुए कि वो अगले बरस फिर आएंगे। और इस बरस वो जा रहे हैं तो वो हमारे सारे दुख वगैरह, इस दुनिया के सारे दुख वगैरह मतलब लेकर जा रहे हैं साथ में, और वापस आएंगे बड़ी खुशियों के साथ, वापस आएंगे अगले साल फिर से आएंगे। यही दुआ करते हैं, यही कामना करते हैं गणेश जी महाराज से कि सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि हम लोग आपके लिए स्पेशल वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तो आज है अनंत चतुर्दशी स्पेशल ब्लॉग, तो चलिए दोस्तों फटाफट से मिलते हैं आपको मनियारा धाम में। हम मनियारा धाम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि पार्वती इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा नदी में पानी होगा, हमारे साथ बच्चे भी होंगे, तो फिलहाल हम लोग जाने वाले हैं मनियारा। तो चलिए दोस्तों, आपको मिलेंगे डायरेक्ट मनियारा में। तो दोस्तों, पहुंच चुके हैं हम लोग मनियारा धाम, और यहाँ पर हमने जो अपनी बाइक है वो मनियारा का जो एंट्री रोड है वहीं पर खड़ी कर दी थी, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी और आज अनंत चतुर्दशी है तो भीड़ तो होना स्वाभाविक है, क्योंकि सब लोग अपने अपने गणपति जी को लेकर आए हैं यहाँ पर विसर्जन करने के लिए, और हम लोग भी अपने गणपति जी को लेकर आए हैं यहाँ पर विसर्जन करने के लिए। और दोस्तों, यहाँ पर मतलब हम आपको सभी के गणपति जी के भी दर्शन करवाएंगे एक एक करके। तो फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप कितने प्यारे गणपति जी, अभी इनकी पूजा अर्चना चल रही है, और यहाँ पर जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं उन्होंने भी गणपति जी को अपने हाथों से गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है आना ही होगा। तो दोस्तों, गणपति जी निकल चुके हैं अपने धाम की ओर, और यहाँ पर प्रसाद वगैरह बांटा जा रहा है, और जो वैदेही है और युवंश है और कन्नू है वो तीनों तो जा चुके थे झूलों पर, क्योंकि झूले ही पास में लगे हुए थे गार्डन पर। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जो भगवान श्री गणेश को बहुत ही ज़्यादा पसंद है उसी चीज़ का यहाँ पर प्रसाद बांटा जा रहा है, जिसका नाम है मोदक। जी हाँ, मोदक उनको बड़े पसंद थे गणेश जी को, और आप लोगों को तो पता ही है। तो यहाँ पर फिलहाल मोदक का भोग लगाया था, तो मोदक का ही आज प्रसाद बांटा जा रहा है। बाकी आपको
अगर आगे का व्यू बताए तो हम लोग जैसे जैसे अंदर आते गए तो यहाँ पर हमने कई सारे गणपति जी के दर्शन किए। तो चलिए दोस्तों आप लोग भी कर लीजिए दर्शन गणपति जी के, क्योंकि अब गणपति जी पूरे एक साल बाद वापस हमारे बीच आने वाले हैं और आज ही के दिन अनंत चतुर्दशी के दिन वो हमसे विदा ले रहे हैं और जा रहे हैं अपने धाम की ओर। तो आप सब लोग भी दर्शन कर लीजिए गणपति जी के। और हाँ एक बात और बता दूं कि आज गणपति जी तो जा रहे हैं लेकिन जो गणपति जी की माता जी है मैया शेरों वाली, बहुत ही जल्द वो आने वाली है क्योंकि नवरात्रा भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी धूमधाम के साथ गणपति जी का विसर्जन किया जा रहा है। आप देख लीजिए एक साथ तीन तीन गणपति जी को लाया जा रहा है और यहाँ पर नाचते गाते हुए लोग आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को भी यहाँ पर गणपति जी के दर्शन करवाते हैं और उसके बाद आपको करवाते हैं यहाँ पर भगवान शिव के भी दर्शन, क्योंकि मनियारा धाम आए हैं तो भोले के दर्शन तो जरूर करवाएंगे आप लोगों को। तो दोस्तों यहाँ पर जो मनिहारा धाम के आसपास के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर उपस्थित थे तालाब के अंदर, क्योंकि वो तैरना जानते थे और जो गणपति जी हैं उनको वो अंदर तक लेकर जाते थे जहाँ पर गहराई है पानी की, और वहाँ पर जाकर उनका विसर्जन करके आते थे। तो अब देख लीजिए यहाँ पर ये लोग जाते थे और थोड़ा बहुत इनको नेक दिया जाता था 5-10 रुपये, और उसके बाद ये गणपति जी को लेकर अंदर गहराई में चले जाते थे और वहाँ पर जाकर गणेश जी का कर देते थे विसर्जन। तो देखिए दोस्तों हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर गणेश जी की, गणपति जी की जो मूर्ति है उनको विसर्जन किया जा रहा है, उनका विसर्जन किया जा रहा है। और यहाँ पर हम लोग अंदर पहुँच चुके हैं जहाँ पर अब शाम का टाइम हो चुका है, फव्वारे वगैरह चल चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सामने है भोले बाबा का दरबार, भोले बाबा का मंदिर जिसे हम आपको दिखा रहे हैं, और यहाँ पर हम आपको अंदर भी लेकर चलेंगे। तो चलिए दोस्तों फटाफट से चलते हैं अंदर और आपको करवाते हैं दर्शन। सबसे पहले तो हम आपको दर्शन करवाने वाले हैं यहाँ पर बालाजी महाराज के। तो देख लीजिए आप बालाजी महाराज के और कर लीजिए आप बालाजी महाराज के दर्शन। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर और आपको दर्शन करवाते हैं बाबा भोलेनाथ के। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि सब लोग यहाँ पर गणपति जी का विसर्जन करने के लिए आए थे। तो यहाँ पर आप दर्शन कर लीजिए बाबा भोलेनाथ के। तो वापस मिलते हैं आपसे इसी ब्लॉग में। तो दोस्तों ये था हमारा आज का व्लॉग जो कि अनंत चतुर्दशी स्पेशल था। यहाँ पर आकर हमने गणपति जी का विसर्जन किया है और काफ़ी ज़्यादा गणपति जी के आप लोगों को दर्शन भी करवाए हैं जितना हमसे बन पाया है। आपको ये व्लॉग कैसा लगा? अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलेंगे आप सभी लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे एंड बाय बाय।